नमस्कार दोस्तों और राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप देख रहे होंगे टाइम हो चुका है रात का। तो अभी जैसे ही मैं दुकान से वापस आ रहा हूँ, मैं और कृष्णा थे साथ में, हम दोनों थे। तो रास्ते में आते हुए हमें ना भोले मिले। भोले मतलब जो जल ले के आते हैं ना हरिद्वार से, कावड़ लेने जाते हैं तो जल ले के आ रहे हैं, तो उनको भोले बोलते हैं। तो उनको नाम नहीं लेते कभी भी, तो भोला बोला जाता है। तो आ रहे थे तो यहाँ पे वे ना लेटे थे, वो थक रहे होंगे बहुत ज़्यादा, टूट रहे थे। तो पता नहीं क्या बात हुई, मैं उनको देख के निकल गया। फिर वापस में मैं आया, मका जी आप ना एक काम करो, यहाँ पे ना थोड़े से मेन रोड पे थे कि यहाँ पे ना कुछ रख लो। कह रहे क्या रखें जी? तो मैंने साइड से उनको झाड़ पाड़ के दिए, ये रख लो कोई दिक्कत ना हो। जैसे उधर से आए जब मुझे नहीं दिखे, मुझे भी लास्ट में दिखे तो किसी को भी, हाँ मतलब कोई भी मतलब आ सकता है तो दिक्कत है। और उधर से आते हैं ज़्यादा तो कई बार स्पीड पर होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाले की दुआ से जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो किया। और वहाँ पे मैं झाड़ पाड़ के वहाँ से और साइड में रख दिया, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है। तो उसके बाद फिर मैं घर आते आते ही दिमाग में आया, मैं कहा ना ये टूटे हुए हैं बहुत ज़्यादा। उधर से जब आते हैं ना, हम जल ले के चल देते हैं, हमारे परिवार से गांव से बहुत लोग आते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ मतलब हमें सेवा करने का मौका मिला है। तो जी हम जैसे मैं घर पर आया तो साथ के साथ, वैसे तो मैंने उनको वहाँ पूछा, मैं कच्चा दूध मैं लेके आया हूँ अभी, अगर पीना हो तो देख लो। कह रहे जी नहीं पिया नहीं जाएगा कच्चा ना। तो आते ही मैंने इंदु को बोला फटाफट से, मगर ये चार ही पैकेट लेके आया, ज्यादा भी लेके आया तो पता भी नहीं था। तो मगर फटाफट हल्दी डाल के, कच्ची हल्दी उधर से लेके आए थे मैं ना अभी 2-3 दिन पहले, तो कच्ची हल्दी वाला दूध हमने 4 जो पैकेट हैं वो पका दिया है अच्छे से, यहाँ पे पका दिए हैं और साथ में इधर बन रहे हैं पॉपकॉर्न। तो क्या हुआ, मैं फटाफट से इनको बोल गया कि दूध फटाफट गर्म कर दो, और उनको ना मैंने वहीं पर रोक लिया थोड़ी से आगे चल के, वो चल दिए थे मगर 10 मिनट रुको। उन्होंने क्या बोला कि भैया नहीं सर, उन्होंने बोला सर कि सर दूध रहने देना, पानी जरूर लेते आना। तो उनको इस टाइम ना पानी की कितनी जरूरत थी। तो पानी के लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए एक बड़ी बोतल यहाँ पे ये वाली, और एक छोटी बोतल, और एक आधी और देख रहे हैं जो भी मिलेगी तो हम बोतल लेके जाए। यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम करने के लिए फिलहाल हमने ये देखिए पॉपकॉर्न पैकेट नमकीन दे देंगे। हाँ नमकीन ले लो ना, क्योंकि कुछ में जाता है थोड़ा सा ना, जो नमक का खाते हैं, क्योंकि कई भोले जो है होते हैं वो नमक का नहीं खाते, और जो कई होते हैं कि नमक का खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर थोड़ा पहले पता हो ना कि ये काम करना है तो फिर तैयारी अलग होती है, लेकिन चलो जो भोलेनाथ का आशीर्वाद है तो वो करके चलेंगे। पर चलते हैं, नहीं इनको झुठा नहीं और चलते हैं फटाफट से। और ये देखिए यहाँ पे दूध गर्म हो गया, 2 भी बोले में फटाफट किया हमने 200 पे, और चलेंगे उसके बाद। और मैं उनको स्पेशल बोल के आया कि मगर बोलो यहीं पे रुकना सारे ना। ये देखिए हल्दी वाला दूध यहाँ पे हो गया तैयार, ये सही रहे जैसे। ये हल्दी वाला दूध यहाँ पे हो रहा है रेडी, ये मतलब ये समझ। और कई बार ना कई चीज ऐसी होती है ना, कई दिन से हल्दी नहीं मिल रही थी, क्या पता ये बोले के लिए। मतलब ये है कि मौके बहुत कम मिले हैं जिस सेवा करने के किसी के, या कैसे भी अच्छा मिला है ना, छोड़ना चाहिए घर नहीं जा सकते बेटे। वो पहले मंदिर वगैरह में रुकते हैं, फिर वहाँ से बाद में फिर भंडारा वगैरह देखते हैं। ये कवड़ लेने का मतलब है सबसे बड़ा व्रत होता है ये भोले का ना, सबसे बड़ा। हरिद्वार से लगते हैं बेटे बट पैदल चल के। तो जी देखिए हम लोग आगे हैं, और ये 6 जन थे जो कि कावड़ लेके आए थे। और इन दिनों सावन के महीने में कावड़ का कितना महत्व है, कितनी मान्यता है और कितना इसे माना जाता है, ये किसी से छुपी नहीं है। हमारे इधर यूपी में तो बहुत ज़्यादा होता है। इन दिनों तो सड़कें भी मतलब रूट इनके लिए अलग से अरेंज किए जाते हैं, स्कूलों की छुट्टी भी कई बार हो जाती है। और सही में
बहुत माना जाता है और पूरा सावन शिव जी की ही उसमें निकल जाता है। तो ये हमने भी अपने आप को बस यही समझा कि शायद शिव जी की कृपा हुई हम पे कि हमें ये सेवा करने का मौका मिला। अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में कम भी ना करें तो वो चीज़ भी सही नहीं है। इन्होंने सिर्फ दूध दूध लिया था, पानी लिया था, इन्होंने जो हमने पॉपकॉर्न बनाए थे और नमकीन लेकर गए थे वो इन्होंने नहीं लिए, क्योंकि ये कह रहे थे कि अगर हम नमक का कुछ खाएंगे तो फिर हमें नहाना पड़ेगा, तो फिर इसलिए हमने भी नहीं बोला। और इनको जाना थोड़ी ही दूर था बस अभी इनको, और ये कावड़ लेके आए थे वापस। तो देखिए बस ये लोग ले रहे हैं दूध और हम भी खड़े हैं इनके पास, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमें कुछ मिले हैं भोले, और भोले मतलब जो भोले होते हैं ना उनका नाम भी हम नहीं पूछ सकते ना उनका नाम ले सकते, क्योंकि सिर्फ वो भोले होते हैं। और भोले क्या हैं, शिव के भक्त होते हैं। और यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे सारे शिव के भक्त, और ये देखिए इस तरीके से बैठे हैं। और यहाँ पे ना जो मेरे ख्याल से क्या पता हमारा कौन सा दिया लिया गया होगा जो भगवान ने हमें ये सेवा का मौका दिया है। और इधर हम आगे हैं और यहाँ पे देखिए ज़्यादा तो कुछ नहीं, जो हमारे से बन पड़ा साथ के साथ हम वो ज़रूर लेके आए हैं। और यहाँ पे पानी है, दूध वगैरह है, जो भी है मतलब जो भी है वो बन पड़ा है तो हम लेके आए हैं। और यहाँ पे ये भोले बैठे हैं। तो प्लीज़ आप भी कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में कहीं पे भी ऐसा लगता है, किसी भी धर्म में कि कहीं पे हमें ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो ज़रूर आप करें। तो इसमें कुछ भी 1% भी ये नहीं होता कि भाई ये करना चाहिए, नहीं, ज़रूर आप कोई भी जो आपसे बनता है वो ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम बच्चे भी आए हुए हैं साथ के साथ, ये भी बड़े एकदम से उत्साहित से। और यहाँ पे इधर वो, और यहाँ पे कवड़ लेके आए हैं, जल लेके आए हैं। तो ये देखिए, तो जी देखिए बस मैं भी इनसे कुछ पूछ रही हूँ और बातें चल ही रही हैं। इनसे पूछा भी था कि कहाँ से क्या है कैसे है, और होता भी है जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ पूछा जाता है। बस ये दूध वगैरह पी के इसके बाद इन लोगों की हुई जाने की तैयारी। लो जी कावड़ चक्को, और एक बार बोल दो बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय भोले की, जय भोले की। गाड़ी पीछे से आ रही। कोई बात नहीं, ठीक है जी, बम बम भोले, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और बच्चों की चल रही है क्लास। कृष्णा की 1 करा दी मैंने 8:30 बजे थी, रुई की चली हुई है पहली क्लास, रुई कर रही है बाहर और अंदर बैठी है पीहू, और उधर की साइड जो है कृष्णा अपना होमवर्क कर रहा जो मैम ने दिया। कर रहे हो? हाँ, बोर नहीं हो ना, जल्दी जल्दी करो, फिर मैम दोबारा क्लास शुरू होने वाली थोड़ी देर में, फिर मैम होमवर्क देखेगी ना ये जो अब दिया मैम ने, जल्दी करो। ये लिख दो 29 तक यहाँ पे मैजिक नंबर के साथ, यहाँ पे 1 वाला मैजिक नंबर, यहाँ पे 2 वाला मैजिक नंबर, ठीक है? हाँ, यहाँ पे 1 जो मैजिक नंबर है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मैजिक नंबर है ना इस वाली लाइन में, 2 मैजिक, हाँ इस वाली लाइन में 2 मैजिक नंबर। पहले 0 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद मैजिक नंबर लिखेंगे, ठीक है? बाय बाय, ब्लैक टाइम चलो करो जल्दी। तो जी देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी जो हैं वो कर रहे हैं शेविंग, और इनको कराना है कलर बालों में। कई दिन हो गए ला के रख रखा, पर बस मेरा ही टाइम सा नहीं लगा। टाइम क्या नहीं लगा, बच्चों की क्लास के चक्कर में नहीं हो पाता कुछ भी, क्योंकि सुबह ही सुबह फिर बच्चों की क्लास शुरू हो जाती है, तो फिर उसके उससे पहले फिर और भी काम देखने होते हैं। ये देखिए मौसम दिखाऊं मैं आपको आज का, और आज भी बादल से हो रहे और धुंधला धुंधला सा ही हो रहा। बारिश तो वैसा आज की भी बता रखी, लेकिन होगी नहीं होगी ये नहीं कह सकते। फिलहाल तो मौसम ठीक है, उमस वाली गर्मी है, बादल भी हो रहे और वैसे भी। तो कुछ स्कूल तो खुल गए, कुछ की तो गए हैं बच्चे स्कूल में, लेकिन इनके स्कूल का अभी नहीं हुआ बच्चों के पीयू भर के, तो इनकी ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही हैं, कब तक चलेंगी पता नहीं। और मंडे से इनके पीरियोडिक हैं, तो उसकी भी मैम तैयारी करवा रहे हैं साथ के साथ ही। और सुनीता अभी तक नहीं आई, आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। ये देखो पीछे का मौसम, आगे तो धूप सी लगती है तो इतना नहीं नज़र आ पाता, लेकिन पीछे की साइड अच्छा नज़र आता है।
ये देखिए यहाँ पे, और पहाड़ धुल रहे बिल्कुल साफ पड़ा सारे में। तो चलिए जी मैं करती हूँ अपना काम। पियो के डैडी कह रहे हैं मेरे बालों पे कलर लगा दे, तो मैं उनके बालों को लगा देती हूँ कलर। तो जी देखिए यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पियो के डैडी के बालों को कलर, और ये भी कई दिन से मुझे बोल रहे थे, मैं भी कई दिन से सोच रही थी, लेकिन रूटीन सा ऐसा हो जाता है बच्चों के चक्कर में कि नहीं हो पाता। और जैसा कि मैंने बताया कि दो दो ढाई ढाई बजे तक इनकी क्लासेस चलती रहती है, बीच में मुझे रुक के फिर कृष्णा को भी देखना पड़ता है। पियो रुई खुद कर लेती हैं, लेकिन कृष्णा के पास तो देखिए बैठना ही पड़ता है, उसे लिखवाना पढ़वाना करवाना भी सारा ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और कुछ लोग बोल रहे थे कि दी आपके जो हस्बैंड है वो एज्ड लगते हैं या उम्र में ज़्यादा लगते हैं आपसे। देखिए जी उम्र का तो मैं कह नहीं सकती कि उम्र ज़्यादा है या नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत थी। मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की है कि कई बार जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, और मेरे हस्बैंड उन्हीं में से ही एक हैं। कुछ इनको दूसरा ये है कि इनको नज़ले की प्रॉब्लम रहती है, और नज़ला किसी की आंखों पे किसी की किसी चीज़ पे रिएक्शन करता है। तो इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं नज़ले की वजह से, इनको नज़ला हो जाता है, ज़रा सा गर्दा या कुछ भी एकदम से हो जाता है, आंखें भी इनकी लाल हो जाती हैं बिल्कुल, और मतलब ये दिक्कत है। तो खैर देखिए आप लोगों के आप लोग भी बोल रहे थे, और खुद को भी लग ही रहा था कि चलिए भाई ये कर दे, तो इनके बालों पे यहाँ पे मैंने कर दिया है कलर, तो ये रख लेंगे। और बस इतने ही टाइम में इसकी कृष्णा की क्लास का दूसरा का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने वो की, और उसकी क्लास कराने के बाद मैं लग गई हूँ वापस से अपने काम पे। देखिए अंदर रूही अपनी क्लास कर रही है अभी भी, सुनीता आ गई थी वो जाके पीछे मशीन लगा रही है, और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। मैं आपको कल परसों भी दिखा रही थी शायद, मैंने कहा बरसात की वजह से भी सिलन सी हो जाती है, और बारिश में तो खैर लाइट भी नहीं थी यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी सी उसमें स्मेल सी हो रही थी। और स्मेल क्या, मैं सोच भी रही थी करना तो है ही, वैसे तो मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं गिल्ले कपड़े से करती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कई बार हो जाता है ना कि कुछ ज़्यादा ही गिरा पड़ा है कि इसमें फ्रिज में, तो फिर मैं साबुन और स्पंज से साफ़ करती हूँ, लेकिन इतना था नहीं, तो वो गिल्ले कपड़े से ही मैंने पहले गिल्ला कपड़ा लगा दिया है, और गिल्ले कपड़े से ही मैं ज़्यादातर करती हूँ। पानी का टच मतलब धोना वगैरह तो मैं इतना करती नहीं हूँ फ्रिज को, ना ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मैं हफ्ते में दो बार तो आराम से अपने फ्रिज को इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ, और वैसे जो चलते फिरते थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो जाती है वो एक अलग रहती है। तो देखिए बस यहाँ पे गिल्ला कपड़ा मैंने लगा दिया, उसके बाद मैं कर रही हूँ इसको ड्राई, सूखा कपड़ा ले रही हूँ, और एकदम से साफ़ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत करनी पड़ती है। और अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ ही करें तो फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कि जैसे हो जाता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ रही, लेकिन वो भी नहीं करनी पड़ती। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा अपना रोज़ करती रहती हूँ, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, तो इसीलिए आपको मोस्टली मेरा घर भी साफ़ सुथरा ही लगता होगा। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब से मैंने इधर शिफ्ट किया है तो थोड़ी सी सेटिंग मैं कर नहीं पा रही हूँ। घर की स्टार्टिंग में तो थोड़ा मुझे रास्ता नहीं मिला, अब जब मुझे लग भी रहा है कि करना है तो मैं फिर थोड़ा सा स्कूल के बच्चों की वजह से भी है, और कुछ बरसात सी हो रही है, इस मौसम में ऐसा लगता है कि जितना मर्जी कर लो तो गिल्ला गिल्ला सा ही रहता है, तो इस वजह से भी मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या, अब जो वीडियो आपको मिलेंगे वो ज़्यादा मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियो, और बस मैं पूरी तैयारी में हूँ कि कौन कौन सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि घर के बहुत हो गए हैं, किचन के ये ऐसे वैसे, थोड़े क्लीनिंग भी लोग आप मेरे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्लीनिंग वीडियो या DIY वीडियो या वेस्टेज से जो मैं बनाती हूँ, तो कतार में लगे हुए हैं सारी चीज़ें, और जल्दी ही एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाती या इसलिए नहीं शेयर करती क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाओगे देखने में। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा भागम भाग ना करके धीरे से आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और समझें भी कि भाई वो चीज़ कैसी है, क्योंकि कई बार स्पीड में चीज़ें काट छांट के दिखानी पड़ती है, वीडियो लंबा ना हो जाए उस वजह से वीडियो को बहुत काट छांट करके दिखाना पड़ता है। यहाँ भी मैं सोच रही थी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, लेकिन फिर मैंने उस पार्ट को यहाँ से हटा दिया, आगे जो क्लीनिंग वीडियो है या जो भी है, तो मैंने कहा वो मैं आगे शेयर करूंगी, अभी फोकस हम एक एक चीज़ पे करते हैं। तो अगर आप हर रोज़ थोड़ी थोड़ी सी अपनी फ्रिज की भी क्लीनिंग करते हैं तो भी वो साफ़ रहता है। और ये मैंने जो फ्रिज कवर मंगवाए थे, देखिए वहाँ मंगवाए थे मैंने, उधर दूसरे घर में, अब जाके इनका नंबर आया है,
तो इनको भी मैंने बिछा दिया। इससे होता क्या है कि मतलब नीचे से फर्श की जो ट्रे होती हैं वो गंदी नहीं होती। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी पेपर वगैरह आप डाल लीजिए, या पॉलीथीन वगैरह जो डब्बों में आती है वो वाली डाल लीजिए, या फिर ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 100-150 रुपये का ये पैकेज आ जाता है। ये हो गया। तो देखिए अंदर से क्लीन करने के बाद मैंने इसका ऊपर का भी कवर जो है वो चेंज कर दिया है और रख दिया है फूलदान इसके ऊपर। तो बस मेरा फ्रिज हो गया है क्लीन, बाहर से भी मैंने कॉलिन वगैरह से इसको साफ़ कर दिया और ये हो गया है बिल्कुल चमाचम। तो जी चलिए बस फिर आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। और हाँ, चलते चलते एक बात और कि अगर आप लोगों को कहीं भी किसी की भी सेवा करने का मौका मिलता है, किसी की भी हेल्प करने का मौका मिलता है तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम करना नहीं चाहते, या करना चाहते हैं तो हम इस वजह से रुक जाते हैं कि कहीं कोई देख ना ले। तो इस हेजिटेशन को छोड़िए और अपनों के लिए खड़े होइए, अपने आप के लिए खड़े होइए और कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की मदद कर सकें। चलिए जी, इसी विचार के साथ वीडियो रोकती हूँ। राधे राधे, धन्यवाद।